दोस्तों बात करने वाले हैं एक ओलिट्रा ग्रेटेक स्टॉक के बारे में। देखिए ओलिट्रा ग्रेटेक में दोस्तों एक बड़ा धमाका देखने को मिला था। इंट्राडे में स्टॉक ने 5% तक की रैली यहाँ पे दिखा दी थी। अभी के टाइम में अगर क्लोजिंग देखोगे तो 2.5% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिल रही है। देखो इंट्राडे का हाई देखेंगे यहाँ से तो अराउंड 1345 तक यहाँ पे स्टॉक गया था, वहां सेलिंग हुई। अभी के टाइम 3% की तेजी के साथ हमें जो यहाँ पे क्लोजिंग है वो देखने को मिली है। देखो दोस्तों तेजी के पीछे वजह क्या है एंड यहाँ से कितना बड़ा ये धमाका अभी के टाइम देखने को मिलने वाला। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया भी था कि शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी मोमेंटम है, ब्रेकआउट जस्ट यहाँ पे ये देने वाला है एंड जो तेजी आएगी 4-5% से कम तेजी हमें नहीं दिखेगी। एंड हाल ही में एक अपडेट भी यहाँ पे देखा था, ये भी बसों के रिलेटेड ही अपडेट आया था, खासकर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों हाल ही के अंदर अराउंड दिल्ली की जो सड़कें हैं उसके ऊपर 1300 बसें इलेक्ट्रिक दौड़ने वाली है। 500 बसों का नया उद्घाटन यहाँ पे किया एंड दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ओलिट्रा को ऑर्डर भी मिला था, आपको खुद को पता है जैसा कि मैंने वीडियो बना के बताया भी था। एंड यहाँ से जो हरी जो गवर्नमेंट है दोस्तों अगर आप देखोगे 4-5 साल के बाद दोस्तों तो जो गवर्नमेंट बसें हैं वो सारी ईवी में कन्वर्ट होने वाली है यहाँ पे। तो अभी के टाइम देखिए ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मार्केट कैप 10,000 का ही। अगर रियल यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू देखे ना अपन तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 40-50 रुपए पे ये ट्रेड कर रहे हैं। ये चीज आप समझ लीजिए मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस ज्यादा है मानते हैं क्योंकि स्टॉक कंपनी की लिक्विडिटी है ना मार्केट में वो कम है। अब देखो लिक्विडिटी क्या होती है, जैसा कि अभी देख लो कि जो ओलिट्रा ग्रेटेक है इसके मार्केट में 5,000 शेयर है, ये चीज समझ लीजिए। अब कंपनी डिवाइड नहीं, कंपनी ने अपने शेयरों को अभी जो मतलब जो शेयरों के टुकड़े नहीं किए, तो इस वजह से जैसे थे जैसे मार्केट में आए थे वैसे ही शेयर अभी देखे, इस वजह से इतनी वैल्यू में देखने को मिल रही है एंड यहाँ से स्प्लिट नहीं हुए शेयर, ये चीज आप सीधा समझिए। तो जैसा कि डाटा अगर अभी के टाइम देखें दोस्तों 41 लाख की वॉल्यूम आज क्रिएट हुई। मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन मोमेंटम आता है वॉल्यूम स्टॉक के बढ़ जाते हैं। अभी के टाइम आप देख सकते हो 42 लाख के आसपास की वॉल्यूम आज देखी है एंड जो स्टॉक का यहाँ पे एमओ का डाटा है वो 4,000 शेयर का हमें अभी के टाइम दिख रहा है पॉजिटिव। डिलीवरी स्टॉक के धमाके द्वारा अराउंड 12 लाख शेयर आज खरीदे गए। अब देखो पहले हमने देखा था कि वॉल्यूम स्टॉक की एक दिन में 12 लाख भी नहीं हो पाते थे एंड आज स्टॉक की डिलीवरी 12 लाख हो चुकी है। तो ये क्या है, ये बायर है दोस्तों, बाइंग यहाँ पे चल रही है एंड आज कम से कम यहाँ से 50-60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला बड़े प्लेयर से। अगर बड़े प्लेयर एकदम से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसा कि आपने देखा इंट्राडे में कहाँ तक स्टॉक ने तेजी दिखाई, 5% का चला गया था, तो उनको सस्ता खरीदना तो धीरे धीरे टाइम जरूर लेंगे, कंसोलिडेट करवा लेंगे, टाइम जरूर लेंगे बट स्टॉक में माल वो खरीदेंगे एंड वो खरीदारी अभी हमें देखने को मिल रही है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है एंड Q3 के आंकड़े भी हमें दिखेंगे। आपको बताया गया था कि Q3 तक आपको आसानी से एक बड़ा जंप यहाँ से देखने को मिल जाएगा, तो अभी के टाइम वेट करें दोस्तों, अब जल्दी धमाका यहाँ से आपको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज JVM ऑटो में ओलिट्रा दोनों में यहाँ पे हमें एक बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला एंड ओलिट्रा के अंदर अगर चार्ट पैटर्न देखोगे तो कंसोलिडेट अभी के टाइम ये टॉप लेवल पे कर रहा है। इन कंसोलिडेट में दोस्तों बड़े प्लेयर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जैसा कि RSI देखोगे 64 का अभी के टाइम नजर आ रहा है एंड यहाँ से चार्ट का डाटा देखेंगे दोस्तों। तो तब तक मैं देखो शॉर्ट टर्म वालों को एक चीज कंफर्म कर दूं कि भाई यहाँ से अगर आप ठीक से डाटा समझेंगे तो जो आपकी बाइंग है ना, आपकी जो बाइंग यहाँ से अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म बेसिस वाले, तो वो देखो किस रेंज के ऊपर आपकी बाइंग यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ से आपको दोस्तों जब ये स्टॉक यहाँ से तेजी दिखा रहा है, ये देखो ये ब्रेकआउट हो चुका है, बट ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के लिए हमें करना क्या है, हमें दोस्तों इस लेवल को ऊपर निकल जाने दीजिए स्टॉक को, ठीक है ना। इस लेवल के ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग मिलने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ से आपकी बाइंग यहाँ पे बन रही है। देखो दोस्तों यहाँ से ठीक से डाटा समझो, यहाँ से कंसोलिडेट तेजी हमें दिखी है। अगर इस लेवल के ऊपर जैसा ये ट्रेंड लाइन बन रखी है इसके ऊपर यहाँ से अगर ये क्लोजिंग दे देता है डेफिनेटली यहाँ से जो स्टॉक का ट्रेंड है वो बदल जाएगा। तो हम इस लेवल के ऊपर यहाँ पे बाइंग करेंगे, ये लेवल कौन सा है, ब्रेकआउट कौन सा बनेगा, तो वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि भाई किस लेवल के ऊपर हमें बाई करना चाहिए। तो यहाँ से मान लीजिए दोस्तों कि लेवल रहेगा कम से कम 1400 रुपए प्लस, यहाँ पे 1410 रुपये आप मान लीजिए, 1410 रुपये के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। इसके बाद आपके टारगेट कम से कम यहाँ से 1700 प्लस के देखने को मिलेंगे। तो अभी के टाइम लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये मौका है, भाई कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, बाइंग कर बाइंग हो सकती है, बाइंग बन रही है अभी के टाइम। जब तेजी आ जाएगी तब तो सभी लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। देखो कंसोलिडेट जैसा कि हमने देखा कि पहले ये कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, कहीं कोई भी भाई यहाँ पे नहीं कर रहा था, कोई बोल रहा था तो उसको बेवकूफ बोल रहे थे कि भाई नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे तेजी आई, गिरा, फिर लोग पहने कोई, फिर लोगों ने यहाँ पे खरीदा, उसके बाद बड़ा धमाका, फिर यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है एंड वही चीजें बन रही है जो यहाँ पे बन रही थी, यानी यहाँ से डेफिनेटली एक बड़ी तेजी में दिखेगी। तो अभी के टाइम ये कि आप वेट करिए, ठीक है ना, वेट करोगे तो यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा।